हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैनन का एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा। तो मेरे हाथ में है कैनन 77D। तो गाइस, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको सभी न्यू वीडियोज की अपडेट मिल जाए। तो गाइस, ये जो कैमरा है ये 2017 में लॉन्च हुआ था, तो उस हिसाब से ये 5 साल पुराना है, लेकिन आज की तारीख में भी ये बहुत ही बेहतरीन फोटो लेता है। जो फीचर्स आपको इस कैमरा में मिल जाती है इवन कैनन 80D में भी इतनी नहीं मिलती। 80D से भी ये बेहतर है, उससे हल्का है, इमेज क्वालिटी इसकी बेहतर है, वीडियो क्वालिटी इसकी बेहतर है और प्राइस में भी ये उससे काफ़ी कम है गाइस। तो गाइस, अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको 3.2 इंच की फुली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन मिल जाती है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं और ये आपकी टच स्क्रीन है। और सबसे बड़ी बात गाइस, इस कैमरे में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है, तो उस वजह से वीडियो मेकिंग के लिए ये कैमरा बहुत ज़्यादा शानदार है गाइस। इस वाले कैमरे में आपको 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। ISO रेंज की अगर हम बात करें तो 100 से लेके 25,000 तक इसकी ISO रेंज है नेटिव, जिसको कि आप एक्सपेंड करके 50,000 तक ले जा सकते हैं। वजन की अगर बात करो तो इसका 540 ग्राम, मतलब 550 ग्राम के आसपास इसका वजन है। फ्रेम पर सेकंड की बात करें तो 6 फ्रेम पर सेकंड ये शूट कर सकता है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स एक्शन फोटोग्राफी के लिए इतना अच्छा नहीं है। उसके लिए आपके पास कम से कम 10 या 12 फ्रेम पर सेकंड वाले कैमरे होने चाहिए, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए, लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा ये, और वीडियो मेकिंग के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये कैमरा आपका फुल HD में 60 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। और वीडियो में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है, डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन इन द वीडियो, जो कि काफ़ी दूसरे कैमरों में आपको नहीं मिलता। एंटी फ्लिकर भी है इसमें आपका वीडियो में, और इसमें क्योंकि आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है तो ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर आपको अपनी खुद की यूट्यूबिंग के लिए वीडियो बनानी है तो आपके चेहरे को ये अपने आप बहुत ही ईजिली ट्रैक कर लेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। और उसके अलावा गाइस, इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप कैनन की ऐप के थ्रू इस कैमरे को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं गाइस। इसमें आपको टाइम लैप्स वीडियो बनाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग भी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें क्योंकि ऊपर टॉप LCD स्क्रीन है तो आप अपनी सारी सेटिंग्स ईजिली इसमें देख सकते हैं गाइस। एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको इसमें मिल जाती है, आप इस कैमरा को एज अ वेबकैम ही यूज़ कर सकते हैं गाइस। कैनन का एक और कैमरा आता है कैनन 800D, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है इस वाले कैमरे के जैसा। अगर हम ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आपको 45 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाते हैं, सारे के सारे आपके क्रॉस टाइप है, तो इसलिए फोटोग्राफी में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ऑटो फोकस की अगर हम बात करें तो। वीडियो में तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है ही, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। कैनन 800D और ये वाला कैमरा एग्जैक्टली सिमिलर है, इवन कैनन 200D वो भी सेम सेंसर को रखता है, तो उनकी ISO रेंज, इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ एक जैसी है। अगर 200D से इसको कंपेयर किया जाए तो 200D में आपके थोड़े कम ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, कुछ बटन्स उसमें आपके थोड़े कम हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो ये आपको कुछ एडवांटेज आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे इसमें टॉप LCD स्क्रीन हो गई, 200D में आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में सेम सेंसर है, सेम आपकी इमेज क्वालिटी निकल के आएगी, सेम आपकी वीडियो की क्वालिटी निकल के आएगी। बजट अगर आपका कम है तो आप उस वाले को भी ले सकते हैं। अगर 800D से इस कैमरे को अगर हम कंपेयर करें, 800D और ये वाला एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2-3 ये जो बटन्स है लेआउट का उनका थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। अब मैं आपको क्लोजअप में इस कैमरे को दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। पीछे से ये कैमरा ऐसा दिखता है जैसे कि कैनन के सभी कैमरे होते हैं, और टॉप से ये वाला कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। यूजुअली कैनन के कैमरे में ये जो मोड डायल इधर पे दिया हुआ है वो वाला मोड डायल इस तरफ होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक टॉप LCD स्क्रीन दे दी है जिसमें आप अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने मोड डायल को इस तरफ दिया हुआ है। और अगर हम इसके बाकी माइक और इन सब पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका HDMI पोर्ट मिल जाएगा आपको, और माइक कनेक्ट करने के लिए पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस।
और एसडी कार्ड को डालने के लिए आपको इधर पे ये वाला पोर्ट मिल गया गाइस। 200D में आपका एसडी कार्ड ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है इसके अंदर पड़ता है, तो इसलिए उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत रहती है एसडी कार्ड को निकालने में। इसमें लेकिन ये साइड में है तो ये चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। और गाइस इसमें आपको ये डेडिकेटेड डायल दिया हुआ है, इस डायल से आप एपर्चर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को चेंज करना है जब आप एवी वाले मोड में, तो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। और बाकी आपकी जो डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह है उनको भी आप इस वाले गोले से चेंज कर सकते हो। और दूसरे वाला ये जो गोला है ये ऊपर है ही, जिससे कि आप शटर स्पीड एपर्चर वगैरह को चेंज करते हो, जैसा कि सभी कैमरा में होता है। 800D में आपको ये वाला गोला नहीं मिलेगा और 200D में भी आपको वो नहीं मिलेगा। और टॉप LCD इसमें है तो उसमें आप सेटिंग्स देख सकते हो। तो कुछ ये चंद फायदे आपको इस वाले कैमरा में मिल जाते हैं कंपेयर टू 800D। अब इससे लिए हुए कुछ सैंपल फोटोज़ मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ गाइस। और ये वाले जितने भी मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं जो इसके ऊपर 1855 वाला STM किट लेंस लगा हुआ है उसी से लिए हैं। ये आपका STM वाला जो किट लेंस है ये ऑलमोस्ट साइलेंट है, वीडियो में इसका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करता, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये वीडियो और फोटोग्राफी में निकाल सकता है जो पुराने वाले नॉन STM वाले किट लेंस के मुकाबले। तो गाइस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कितने अच्छे फोटो आए हैं। जब मैंने ये फोटो लिए तो काफ़ी लो लाइटिंग सिचुएशन थी, बर्फ़ वगैरह गिर रहे थे, बादल थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत प्यारे इसने फोटो निकाले हैं। तो फोटोग्राफी में भी मैं इसको 10 out of 10 नंबर दूंगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आप प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी इस कैमरा से बहुत ही ईजिली कर सकते हो गाइस। अब मैं इससे लिए हुए वीडियो के सैंपल स्क्रीन पर डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसी ये वीडियो निकालता है। हेलो गाइस, अभी आप जो ऑडियो और वीडियो देख रहे हो वो कैनन 77D कैमरा से है और इसके ऊपर मैंने 1855 STM वाला लेंस लगाया हुआ है, तो ये लेंस ऑलमोस्ट साइलेंट है। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह फोकस मूव करूँगा तो ये हंटिंग नहीं करेगा और आवाज़ भी नहीं करेगा। आप देखो मैं बैकग्राउंड पे फोकस करता हूँ, देखो कितना जल्दी इसने वहाँ पे फोकस कर लिया और आपको वीडियो में कोई भी फोकस हंटिंग का नॉइज़ नहीं आया। अब मैं वापस से इन पत्तों के ऊपर फोकस करता हूँ, देखो इसने कितना इजीली फोकस कर लिया और इस 1855 STM लेंस से भी आप देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी इमेज क्वालिटी इससे निकल के आ रही है गाइस, बहुत ही अच्छा लेंस है अगर आपको खुद की वीडियो शूट करनी है, क्योंकि इस कैमरे में आपकी फ्लिप आउट स्क्रीन है और इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है गाइस। तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, वीडियो की क्वालिटी भी ज़बरदस्त रहती है, ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस एकदम शानदार रहती है गाइस। तो देख लीजिए कितने अच्छे रिजल्ट आप इस वाले लेंस से और इस कैमरा से 77D से आप निकाल सकते हैं गाइस। तो गाइस आप देख पाए होंगे वीडियो में, यार इसकी क्या ही बात करें, बेहतरीन कैमरा है, वन ऑफ द बेस्ट कैनन का कैमरा, सेल्फ व्लॉगिंग के लिए भी, प्रोफेशनल वीडियो बनाने के भी लिए। हेडफोन का पोर्ट मिल रहा है आपको, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल रहा है, टच स्क्रीन मिल रही है, फुली आर्टिकुलेटिंग, क्या चाहिए। तो वीडियो के बारे में तो बात करना ही बेकार है, 10 out of 10 फॉर वीडियो ऑल्सो गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये कैमरा आप कितने पैसे में ले सकते हैं सेकेंड हैंड, क्योंकि ये 4-5 साल पुराना हो चुका है। तो गाइस अगर आपको ये वाला कैमरा 30,000 रुपये में मिल जाए अलॉन्ग विथ किट लेंस, 30 या 32 ज़्यादा से ज़्यादा 35,000, उससे ऊपर ना देना इसके, तो काफ़ी अच्छी डील रहेगी। अगर 30 और 35 के बीच में आपको ये कैमरा किट लेंस के साथ मिल जाए बहुत अच्छी डील रहेगी, आप इसको बेशक ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक फुली प्रोफेशनल कैमरा है और ये आपका क्रॉप सेंसर कैमरा है, फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये निकाल सकता है। तो अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिसका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा शानदार हो, फोटोग्राफी बहुत शानदार करता हो, ऑल इन वन मतलब सारे काम एकदम बेहतरीन करता हो, तो आप इस कैमरे के लिए जा सकते हैं। 30 और 35 के बीच में ये आपको ईजिली मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये आपको देगा गाइस। अगर आपको यूट्यूबिंग के लिए चाहिए बेस्ट कैमरा तो ये वाला रहेगा, ऑटो फोकस की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और फोटोग्राफी भी ये ज़बरदस्त करेगा गाइस। इसके अलावा गाइस अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप कैनन 800D ले सकते हैं, अगर उससे भी कम आपका बजट है तो कैनन 200D आप ले सकते हैं। तीनों कैमरे एग्जैक्टली सिमिलर हैं, सिर्फ कुछ उनके बटन्स वगैरह डिफरेंट है, और 200D में आपको कम ऑटो फोकस पॉइंट मिलेंगे, 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिलेंगे उसमें, लेकिन वीडियो की क्वालिटी और फोटोज की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम आएगी। उसमें भी आपको माइक इनपुट मिल जाएगा, उसमें भी आपका डुअल पिक्सल
ऑटोफोकस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि इसमें आपको ये ऊपर में टॉप एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है, तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको एक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा चाहिए, आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, तो ये ऊपर की जो टॉप एलसीडी स्क्रीन काफ़ी यूजफुल हो जाती है। आप इसमें अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं गाइज। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो इस कैमरे से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को वहाँ पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम एक और नए वीडियो में।